एक प्रसंग सुनेंगे जो कालिया दमन जो लीला है उसकी हम कथा सुनेंगे। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने बहुत अच्छी अच्छी उन्होंने बात बताई, उन्होंने क्या बताया उस विषय के ऊपर में हम बताएंगे। एक दिन कृष्णा सखाओं के साथ में गैया चराते चराते, कृष्णा जाने से पहले उनकी सखा और गैया बछड़े गए, और जो कालिया हृदय था आप सब जानते हैं जिसमें ये कालिया निवास करता था, वहां पर जाते ही पानी को स्पर्श करते ही सबके सब वहीं पर बेहोश हो गए, सबके सब वहीं पर खत्म हो गए। अभी यहाँ पर प्रश्न होता है कि भगवान की कथा क्या है, इसलिए ब्रज गोपियां कहती हैं बोले तब कथा मृतम तप्त जीवनम कभी भी रीडितम कल्मषापहम। गोपियां कहती हैं हे श्याम सुंदर तुम्हारी कथा नहीं, ये कथा अमृत है, हैं ये कथा साधारण नहीं। इसलिए वहां के सारे वृक्ष तो मर चुके थे लेकिन केवल एक वृक्ष जिंदा था। कौन सा वृक्ष जिंदा था? वो कदम वृक्ष जिंदा था। बोले क्यों कदम वृक्ष जिंदा था? कारण है जब गरुड़ जी इसी जगत में अमृत लाए थे वो वृक्ष को ऊपर में अमृत कलश रख दिया था, केवल कलश रखने का नाते वो वृक्ष वहां पर संपूर्ण जिंदा था, सारे वृक्ष मर गए थे। यहाँ पर शिक्षा देते हैं देखो स्वर्ग का जो अमृत है केवल उसकी टच होता है स्पर्श होते ही वृक्ष जिंदा नहीं रहे, लेकिन ये जो कृष्ण के जो सखा और जो बछड़े गैया ये कौन है? ये कोई साधारण नहीं, अमृत से भी ज्यादा है। ये अमृत पान करने पर जीव स्वर्ग जाएगा लेकिन जब पुण्य खत्म हो जाएगा स्वर्ग से फिर गिरेगा, लेकिन ये जो कृष्ण का जो भक्त लोग हैं वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे, कृष्ण का परिकर है। फिर ये लोग कैसे वहां पर बेहोश कैसे हो गए? बोले केवल कृष्ण लीला की पुष्टि के लिए उन्होंने ऐसे दिखाने के लिए बेहोश हो गए, लेकिन वो जो विष है कृष्ण सखाओं को मार नहीं सकता है। अभी कृष्ण ने देखा अगर ये कालिया यहाँ रहेगा तो फिर मेरे लीला में व्याघात करेगा, इसको यहां से भगाना है। इसलिए कृष्ण अपना अमृतमय दृष्टि से सखाओं को बछड़े को बचाए। सखाओं को बोले देखो जो गरुड़ ने अमृत लाया था इसे वृक्ष को ऊपर में रखा था, हो सकता है नहीं उसमें कुछ अमृत होगा, तुम लोग यहीं रुको मैं अमृत को उतार करके लाता हूँ देखता हूँ। इसलिए कृष्ण वृक्ष के ऊपर में चढ़े और चढ़ करके उन्होंने इतने जोर से छलांग लगाए किसमें कालिया हृदय में, उसका जो पानी था 400 हाथ तक वो पानी उछल करके चला गया, और जो कालिया वहां पर रहता था अपना एक गुफा बना करके उसका अंदर में सारे पानी चली गई। पानी चली गई तो कालिया सो रहा था, इतने में कालिया ने जगा, बोले भैया ये कौन है बच्चा? ऊपर में कोई पक्षी भी उड़ करके नहीं जा सकते हैं, आसपास में कोई वृक्ष पेड़ पौधा नहीं, ये बच्चा है कौन जो पानी में तैर रहा है, उसको कुछ नहीं हो रहा है। इतने जो पत्नियां थी बड़े कृष्ण भक्त है, बड़े कृष्ण को भजन करती थी, उनको पत्नियों ने समझाया देखो ये जो कृष्ण है ना ये भगवान है। ले भगवान बच्चा गैया को पीछे पीछे डोलता, गैया चराने वाले भगवान हुए, भगवान भगवान कुछ नहीं। लेकिन पत्नियां कभी कभी उनको कृष्ण कथा भी सुना दिया करती थी, लेकिन उसका बड़ा अहंकार था, हैं मेरे जैसे बलवान दुनिया में कोई नहीं, भगवान हो तो मैं भगवान हूं। लेकिन पत्नियों ने समझाने पर भी उसने समझा नहीं और कृष्ण को ऊपर में आक्रमण किया। आक्रमण किया तो कृष्ण ने कहा देखो पहला बाजी तुम्हारा है, क्योंकि बाद में बोल सकते हो अरे मेरे को सुजोग नहीं दिया, इसलिए तुम पहले जो कुछ करना कर ले फिर मैं बाद में तेरे को दिखाऊंगा। कालियों ने पूरा कृष्ण का जो शरीर में एकदम लपट गया और कृष्ण के जो मर्म स्थान को उन्हें दंशन करने लगे, लेकिन कृष्ण का कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ कृष्ण का। इतने में सारे ब्रजवासी ब्रज में बड़े अपशकुन देखने को मिला, सारे ब्रजवासी दौड़ दौड़ करके वहां पर आए। कृष्ण की यह स्थिति देख करके कालिया ने पकड़ लिया,
सारे ब्रजवासी आत्महत्या करना चाहते थे, लेकिन बलदेव प्रभु कृष्ण की महिमा को जानते थे। हाँ, उन्होंने उनको किसी तरह से बचाया, बोले कोई चिंता मत करो, कृष्ण अभी वापस आ जाएंगे। इतने में कृष्ण ने अपना शरीर को धीरे 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 पतला करके फिर निकल आए, फिर कालियों को सर के ऊपर चढ़ गए, चढ़ करके उन्होंने फिर नृत्य करने लगे। हैं, इसलिए मैंने कल बताया था, जब कृष्ण नृत्य कर रहे थे सांप होने के ऊपर में, इतने में जितने सारे देवता लोग भी आ करके वाद्य बजा रहे हैं और कृष्ण नृत्य कर रहे हैं। बोले तांडव गति मुंडन पर नाचत बनवा री, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, पम 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 पद पद गत पम 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 पन पौ पर बिंग 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 बिनत करत नाग बधु आली, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरिधारी, सन 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 कादिक गन 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 गंधर्व गण, नम 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 नारद मुनि सब देत ताली, बम बम बलिहारी। इसलिए शंकर भी बोले प्रभु पहले तो सोच रहा था मैं सबसे सुंदर नाचने वाला मैं हूँ, लेकिन प्रभु आज आप जो नृत्य दिया ना, कोई रस्सी के ऊपर नृत्य करता, कोई तलवार के ऊपर में, लेकिन सांप के सर के ऊपर किसको हमने नृत्य करते हुए नहीं देखा। प्रभु आपकी बलिहारी हो, आपकी जय जयकार हो। लो बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। हाँ, देखो कृष्ण जब नृत्य कर रहे थे उसको मुंह से ना खून की उल्टी होने लग गई, वो मरने वाला, लेकिन उसका जो पत्नियां थी ना सोच रही थी मर जाए तो अच्छा है, वो सोच रहे जी मर जाए तो अच्छा। बोले क्यों? बोले एक में तो भजन करता ही नहीं और दूसरे में हमें भजन करने भी नहीं देता है। इसलिए विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर वहां कहते हैं, हैं कहते ये मानव शरीर भगवान ने क्यों दिया तुम्हें, किस लिए दिया है ये मानव शरीर का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य एक है, बोले अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, ये जीवन का केवल एक उद्देश्य है भगवान को पाना। संसार करना, घर गृहस्थी करना ये जीवन का लक्ष्य नहीं है, क्योंकि जो मानव शरीर ये 84 लाख जन्म को बाद में एक बार ये मानव शरीर जीव को भगवान देते हैं, ये जन्म बारंबार हमें नहीं मिलता है। इसलिए भगवान राम अयोध्या वासियों को कहते हैं, क्या कहते हैं? बोले साधन धा मोमक्ष कर द्वारा पाई न जे पर लो कसवारा। भगवान राम कह रहे हैं अयोध्या वासियों को, हे अयोध्या वासियों ये मानव शरीर नहीं, बोले क्या है? बोले साधन धाम मोक्ष करे द्वारा, मतलब ये 84 लाख जन्मों के बाद में एक बार ये मानव शरीर मिलता है। ये 84 लाख जो जीवन तुम गधे कुत्ते सुअर पेड़ पौधा बने, उसी जीवन में भगवान की भजन नहीं हो सकता है, केवल ये मानव शरीर में ही भगवत भजन कर सकते हो। इसलिए भगवान कहते ये मानव शरीर नहीं, बोले साधन धाम मोक्ष करे द्वारा, ये साधन की धाम केवल इसी जीवन में ही साधन कर सकते हैं। 84 लाख जीवन में किसको बोलो कृष्ण कृष्ण राम राम, बोले कोई बोल सकता है कृष्ण कृष्ण राम राम? कोई हृदय में भगवान को कोई स्मरण कर सकता है? ये कानों में कोई कृष्ण कथा सुन सकता है? हाँ, कोई नहीं कर सकता। जैसे आपने अपना घर से यहां तक आए सत्संग में, और कोई आया है यहाँ पर, कोई गधे कुत्ते स्वर भी आया? कोई नहीं आया, केवल ये मानव ही आया है। इसलिए भगवान राम कह रहे हैं ये मानव शरीर नहीं, ये साधन धाम और ये मोक्ष करे द्वारा, ये मुक्ति की दरवाजा में हम खड़े हुए हैं, ये मानव शरीर में नहीं मुक्ति की दरवाजा पर हम खड़े हुए। ये 84 लाख जनी भ्रमण करते 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 ये मुक्ति की दरवाजा में, इसलिए कहते पाई पाई न जई पर लोक सवारा, जिन्होंने ये मानव शरीर पा करके परलोक को सुधारने के लिए कोशिश नहीं किया, मतलब भगवान की भजन नहीं किया। भगवान राम कहते हैं
ले धोन धोन पछताई स आत्महन गति जाई। वो एक आत्महत्यारा है। प्रभु 84 लाख जीवन बाद में ये मानव शरीर दिया और खा पी कर के सो करके और उन्होंने कुछ बच्चे को जन्म दे दिया, बस राम नाम सत्य। बोली गधे कुत्ते सुअर भी तो कर रहे हैं, तुमसे कौन सा बड़ी बड़ी बात कर दिया। दो चार बच्चों को जन्म दे दिया तो सुअर 25-25 बच्चे दे रहे हैं, 20-20 बच्चे से एक साथ में पाल रहे हैं। इसलिए यहाँ पर जो नाग पत्नी ये सोच रही है, क्या सोच रही है नाग पत्नी, ये मर जाए तो अच्छा है। बोले क्यों मर जाए तो अच्छा है, कहते एक मैं तो भक्ति करता नहीं, बड़ा दुष्ट है, बड़ा घमंड है, एक भक्ति करता नहीं, फिर हमें भी भक्ति करने देता ही नहीं, फिर ऐसे भक्ति का क्या जरूरत है जो भजन करेगा नहीं, अब हमें भक्ति करने नहीं देगा, मर जाए बढ़िया है। वो देख रही थी दूर से, लेकिन भगवान जब नृत्य की, ठाकुर का चरण पाना कोई साधारण बात है, भगवान का चरण पाना कोई साधारण है, वो कालियो कोशिश कर रहा था सर को ऊपर से हटाने के लिए भगवान का चरण, लेकिन भगवान जो जबरदस्ती उसको सर को ऊपर चरण दे रहे थे। हम क्या करते हैं घर में नहा धो करके स्नान करके तिलक लगा करके ठाकुर को सामने बैठते हैं माला लेकर के और गुरु मंत्र जप करने के लिए कितने पवित्र बन करके बैठते हैं, लेकिन एक सेकंड में पता नहीं मन कहां भाग गया था। अब देखना आंख बंद करते ही भगवान तो स्मरण नहीं आते हैं, बेटा बेटी नाती पति दुकान मकान केवल यही स्मरण आता है और कोई स्मरण आता ही नहीं। हम कोशिश करते हैं प्रभु को हृदय में स्मरण करने के लिए, लेकिन स्मरण नहीं होता। इसलिए बोले यद्यपि समाधि सुबिथिरपि पश्यति नतव नखाग्र मरीचिम कृष्ण देव भवन्तं वन्दे, कृष्ण देव भवन्तं वन्दे, मन मानस मधुकर मर्पय निज पद पंकज मकरन्दे, कृष्ण देव भवन्तं वन्दे, कृष्ण देव भवन्तं वन्दे। यद्यपि समाधि सुबिधिरपि पश्यति न तव नखाग्र मरीचि इदानि चामिनि सम्यक् वाचुत तदपि कृपात् कृतभीति। कृष्णदेव भवन्तं वन्दे, कृष्णदेव भवन्तं वन्दे, कृष्णदेव भवन्तं वन्दे। श्री रूप गोस्वामी कहते बोले यद्यपि समाधिषु विधिरपि पश्यति, हाँ ब्रह्मा भगवान का चरण को स्मरण करने के लिए कोशिश करते हैं, चरण की दूर की बात छोड़ दो, उनकी चरण की नख की जो छटाएं हैं वहां उसको भी दर्शन नहीं कर पाते हैं। इसलिए बोले ब्रह्मा शंभु अमरपति गणेशार्चित पद, जिनकी चरण को ब्रह्मा शंकर नारद आदि जिनकी चरण को ध्यान में धरने के लिए कोशिश करते हैं, लेकिन आज ठाकुर जी क्या कर रहे हैं, जोर जबरदस्ती उसका सर को ऊपर में प्यार रख रहे हैं, उस भगाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, लेकिन भगवान रख रहे हैं। बोले क्यों रख रहे हैं ठाकुर जी, उनको सर पर चरण को क्यों जोर जबरदस्ती चरण को क्यों रख रहे हैं, उसका क्या रहस्य है। और धीरे 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 जब भगवान उसको चरण की ठुकर मारने लग गए और मुंह से खून निकलने लगा, सोचा भैया ये साधारण नहीं, मेरी पत्नियां कहा करती थी ये भगवान है, सचमुच से ये भगवान ही है, क्योंकि मैंने गरुड़ के साथ में बहुत युद्ध किया, हाँ गरुड़ भी मेरे को मारा लेकिन मेरे इतना कुछ नहीं हुआ, लेकिन इसका अभी कृष्ण का उम्र कितना 6 साल के, 6 साल में बच्चा कितना बड़ा होता है, छोटा बच्चा होता है, लेकिन मेरे सर को पर ये खड़े हुए लगता है विश्व ब्रह्मांड का जितने सारे भोजन जैसे मेरे सर पर आ गया, ये साधारण नहीं। अभी उसने मन मन में ठाकुर का चरण में शरणागत हो गया, जब शरणागत हो गया ना, वो पत्नियां दूर से देख रही थी, वो भजन तो करता नहीं, बोले मर जाए तो अच्छा है, लेकिन जब देखा अभी इसका मन बदल गया, क्योंकि उसको पता चला ये भगवान, और मुंह से खून उल्टी होने लग गई, मरने वाला, अभी उसने मन मन में ठाकुर जी के चरण में शरणागत हो गया। जब शरणागत हो गया पत्नियों ने देखा अभी ये पति रहना सही है, क्योंकि पहले दुष्ट था,
ये सही हो गया, इसका मन बदल गया, वो समझ गया कृष्ण भगवान है, ये पति रहना सही है। बोले क्यों पति रहना सही, पहले क्यों सोच रहे थे मर जाए, अभी सोच रहे रहना सही, कारण है क्या? बोले कारण है ये जो नाग पत्नियां देखने में बड़ी सुंदर थी, बहुत सुंदर देखने में थी। अगर किसकी पत्नी देखने में बड़ी सुंदर हो, अगर पति मर जाए फिर क्या होगा बता? दूसरा कोई व्यक्ति है ना उसके ऊपर बुरी नजर डालेगा, फिर उसके ऊपर आक्रमण करेगा, वो देखने में बड़ी सुंदरी है, इसलिए देखा है तो दूसरे पुरुष लोग दूसरे आ करके हमारे ऊपर में अधिकार स्थापन करेंगे, इसलिए ये पति रहना सही है, कि अगर पति रहे ना फिर दूसरे व्यक्ति हमारे ऊपर गलत नजर नहीं डालेंगे, हैं? इसलिए फिर उनकी मति बदल गई। अभी प्रश्न है ये काली तो बड़ा दुष्ट था पहले, इसका मन बदला कैसे, इसके मन कैसे बदल गया, इसका कारण क्या? बोले कारण बताए, गुरुदेव कहते थे तीन चार ही कारण गुरुदेव कहते थे। पहला कारण है कहते बिनो सत्संग विवेका न होई, बिनो सत्संग विवेका न होई, राम कृपा बिनो सुलभ ना सोई, बिन सत्संग विवेक ना हो। इसलिए गुरुदेव कहते थे, विश्वनाथ ठाकुर कहते हैं, बोले बिनो सत्संग विवेक ना हो, बोले जब तक जीवन में सत्संग नहीं हो तब तक जीव को विवेक ज्ञान नहीं होता है, हैं? सत्संग से ही जीव को ये ज्ञान होता है। कोई कहते हैं ना अरे साधु संग में जाने का क्या जरूरत, घर में बैठ कर भजन करो, कहते ना घर में बैठ बैठ कर हरिनाम करो, वो साधु संग में जाने का क्या जरूरत है, अपना गीता भागवत पढ़ लो घर में। बोले नहीं, अपने आप कभी नहीं होता है, किसी बच्चे को जैसे आप लोग घर में जैसे पुस्तक है लेकिन आप कॉलेज जाते कि नहीं, किसी एक्सपर्ट टीचर के पास में पढ़ने के लिए जाते कि नहीं, वो पुस्तक है लेकिन क्या पुस्तक पढ़ने पर हो जाता है? फिर हम कॉलेज क्यों जाते हैं, फिर मास्टर को पास क्यों जाते हैं, घर में बैठकर पढ़ लो ना। नहीं, जब ये साधारण विद्या, ये लौकिक की विद्या के लिए तुम्हें किसी अच्छे कोई टीचर की जरूरत है, कभी जो ब्रह्म विद्या है इसको अपने आप पढ़ करके समझने का ग्रंथ नहीं। इसलिए श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं, जैसे समुद्र मंथन किया ना, समुद्र मंथन से जहर भी निकला और समुद्र मंथन से अमृत भी निकला, दो चीज निकली है। कहते ये ग्रंथ से जहर भी निकलता है और ग्रंथ से अमृत भी निकलता है। बोले जहर कब निकलेगा? बोले अगर जो बोलेगा हम खुद खुद पढ़ करके समझ जाएंगे, कहते उसमें जहर निकलेगा, वो अमृत नहीं निकलेगा। पर अमृत कब निकलेगा? बोले जब हम भक्तों की आनुगत्य से ये भागवत पढ़ेंगे। इसलिए महाप्रभु कहते हैं जाओ भागवत पढ़ो वैष्णव स्थानी, अपनी आप ग्रंथ मत पढ़ो, हैं? मना महाप्रभु मना करते हैं, किसी एक्सपर्ट वैष्णव के पास में जाओ, भक्तों के पास में उनकी आनुगत्य में भागवत ग्रंथ पढ़ो। महाप्रभु कहते हैं तभी तो बुझी वे तुम्हें सिद्धांत तरंग, तभी शास्त्र का तात्पर्य समझ सकते हो। देखो गुरुदेव कैसे उदाहरण देते थे, गुरुदेव उदाहरण देते थे, बड़े अच्छी बात कहते थे। कहते एक ही गीता है, एक ही भागवत, अब भारत में जाओ 100 टीका उसके ऊपर, गीता के ऊपर 100 टीका कैसे हो गया? एक ही तो ग्रंथ है, कोई कर्म मार्ग में, कोई ज्ञान मार्ग में, कोई योग मार्ग में, कोई भोग मार्ग में, कोई भक्ति मार्ग में, ग्रंथ तो एक ही है, फिर इतने तरह का टीका कैसे हुआ, इतने तरह का ग्रंथ कैसे, टीका कैसे बन गई? गुरुदेव अच्छे उदाहरण देते थे, जैसे क्या नाम तुम्हारा? संजीव। संजीव, गुरुदेव कहते थे जैसे हम कहते हैं संजीव तुम कहाँ गया था, देखो शब्द एक है, इसका मतलब है मेरे को पता नहीं तुम कहाँ गया था, एक ही शब्द, संजीव कहाँ गया था, शब्द एक ही है, लेकिन जब हम बोले कहाँ गया था मतलब तू जहाँ गया था ना वो सही जगह पर नहीं गया था, अगर हम बोले संजीव कहाँ गया था हाँ तब क्या हुआ, इसका मतलब तू जहाँ गया था ना कि हमें पता तू जहाँ जहाँ गया था क्या कर रहा था मैं सब जानता हूँ। तो गुरु जी इसको उदाहरण देते तो शब्द एक ही है लेकिन इसका जो टोन बदल जाती है ना उसकी अर्थ पूरा बदल जाता है।
वो टोन बदलते अर्थ पूरा बदल जाते। गुरुदेव कहते थे एक ही ग्रंथ है, इतने सारे टीका कैसे बन गया? कारण है, कहते ये शास्त्र को बताया एक कल्प वृक्ष है, एक कल्प वृक्ष। जैसे सोचोगे ना वृक्ष वैसे दे देता है, लेकिन शास्त्र का जो असली तात्पर्य है उसको कौन समझ सकता है? केवल भक्त लोग ही समझ सकते हैं, भक्त लोग। इसलिए हर शास्त्र में बताया साधु संग सर्व शास्त्र कहे। इसलिए हर शास्त्र में कहता है साधु संग करनी चाहिए। कल हम कथा सुन रहे थे ना, हनुमान जी को जब प्रभु राम कहते थे साधु संग में जाओ, बोले साधु संग का क्या जरूरत है, घर में बैठेगी आपका तो सेवा कर रहा हूँ, भक्ति कर रहा हूँ, साधु संग में क्यों जाऊंगा? भगवान राम ने कहा बेटा हनुमान जी, अगर साधु संग में जाओगे ना, तुम जो भक्ति कर रहे हो उसमें चार चांद लग जाते हैं, मतलब तुम्हारी भक्ति में बढ़ोत होता है। अगर साधु संग नहीं करेंगे, जो माला जप कर रहे हैं ना, वो माला जहां तहां लटक रह जाएगी, और जो तिलक कर रहे हो तिलक नहीं रहेगा, गले में जो कंठी है ना, 2 दिन बाद कंठी बंटी सारी उतर जाएगी, वो सारे उतर जाएगी, भजन भजन खत्म। इसलिए जब तक हम साधु संग करते रहेंगे तब तक क्या होगा, तब तक ये भजन हमारी सही चलेगी, तिलक कंठी माला सब भजन चलेगी। जब हम साधु संग छूट जाएगी भजन भजन सब खत्म, साधु संग खत्म भजन भी खत्म। इसलिए हमें साधु संग की जरूरत है, हाँ? साधु संघ की हमें जरूरत। इसलिए श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि जो काली था ये तो दुष्ट था, ये तो बदमाशी था, पर इसकी हृदय में कृष्ण का प्रति भावना कैसे आ गई, कृष्ण के चरणों में शरणागति कैसे हुई? तब तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं इसके जो पत्नियां थी ना वो कृष्ण भक्त थे, हाँ? ये कृष्ण भक्त थी, कभी कभी इसको कृष्ण कथा सुनाया करते, उसको कृष्ण कथा सुनाया करते थे उसको। जब वो कृष्ण कथा, जब भी बड़ा अहंकार था अभिमान था, लेकिन वो जो कृष्ण कथा सुनाया करती थी उसके हृदय में जैसे रेखा पात होता है ना, धीरे 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 उसके हृदय में कृष्ण का प्रति थोड़ी भावना थी, लेकिन अभिमान था, भगवान भगवान कौन बेकार है। लेकिन भगवान जब उनको सर पर नृत्य किया उसको क्या हो गया, कब जैसे उन्होंने जो कृष्ण कथा सुनाई थी उसका हृदय में बीज था, लेकिन वो बीज उसर भूमि में था, वो जमीन सही नहीं था, लेकिन कृष्ण जब नृत्य किया क्या हो गया, जैसे किसी पेड़ में पानी दो ना, फिर अंकुर, दो पत्ता, फिर टहनिया, फिर फल फूल हो जाता है। इसलिए जब कृष्ण नृत्य किया उसका सर के ऊपर में, उसका सारे दोष खत्म हो गया, खत्म हो गया, जो भूमि था ना गड़बड़ी था, भूमि उसर भूमि था, लेकिन कृष्ण का चरण स्पर्श पाकर पवित्र हो गया, पवित्र हो गया तो बस धीरे धीरे अंकुर हो गया, दो पत्ते, फिर उसमें टहनिया, फूल, फिर फल, सुंदर फल, कृष्ण भक्ति का फल उसमें आ गया, कृष्ण के चरण में शरणागत हो गई। फिर पत्नी मैंने देखा भैया ऐसे पति रहना चाहिए, क्योंकि अभी पत्नी पति जो हमारा वैष्णव हो गया है, अभी भगवान की भजन करता है पति, ऐसे पति हमें जरूरत है, जो हर समय हमें ये भक्ति में मदद करेगा। इसलिए अभी प्रश्न है, इसने पूर्व जन्म में ऐसे क्या पुण्य किया था जो कि भगवान उसको सर पर नृत्य किए? इसकी दो कथा आती है पुराण में, इसके विषय में दो कथा पुराण में आती है, कृष्ण उसका सर पर नृत्य क्यों किया, कारण किया। पहले कारण है, एक पुराण में आती है एक समय दो संत रहते थे एक जगह पर, दो संत का अलग अलग स्थान थी। एक दिन एक संत ने बोले देखो मैं तीर्थ करने जा रहा हूं और मेरे जो भजन कुटिया है ना कुछ दिन के लिए तुम देखना। वो तीर्थ करने के लिए गया, तीर्थ में घूम घाम करके जब कुछ दिन बाद में आया, बोले भैया मैं आ गया, अभी मेरे घर छोड़ दो। बोले तेरे घर पर कुछ नहीं, अभी हम तो मालिक है, तुम्हारे घर पर कुछ नहीं, अभी घर का मालिक मैं हूं। इतने में दोनों में बड़ी लड़ाई हुई, ये बोले मेरे घर, ये कहता है मेरा घर है, दोनों में बड़ी लड़ाई हुई। लड़ाई हुई तो जिसने छोड़ करके गया था उसने कहा जैसे तुम सांप क्या करता है, वो अपना घर नहीं बनाता, वो जो चूहे जो घर बनाता है ना, चूहे जो घर बनाता है वो सांप आ करके वो उसकी बिल में रहता है और चूहे को खा लेता है, चूहे को खा लेगा, और उसने जो घर बनाया चूहा ने उसके घर में दखल कर लेता। बोले तो सांप जैसे तेरे व्यवहार है इसलिए मैं अभिशाप देता हूं, तो सांप बन जाना।
जब उसने अभिशाप दे दिया सांप बनने के लिए, पर इसको भी बड़ा क्रोध आया, तो मेरे को अभिशाप दे दिया मैं सांप बनूंगा, क्योंकि दोनों बड़े संत है ना, वो तो उसको अभिशाप काम करेगा, बोले तू कौआ जैसे का 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 करते जा रहे हो, जब जब से आया जा तू कौआ बन जा। जब उसने बोल दिया अभी वो कौआ बन गया, ये सांप बन गया, लेकिन दोनों ने बाद में देखा भाई आपने तो गड़बड़ी कर दिया क्योंकि हम क्रोध में आ करके एक अभिशाप करके दे करके एक कौआ एक सांप बन गया, अभी क्या करें। बोले दोनों को जो अभिशाप दिया है उसको वरदान रूप में बदला दो। बोले कैसे, जिसने बोला था तुम सांप बनोगे, बोले ठीक है तो सांप तो बनोगे लेकिन एक दिन तेरे सर के ऊपर में स्वयं ठाकुर जी नृत्य करेंगे, भगवान नृत्य करेंगे तेरे सर के ऊपर में, और एक दिन उसको बाद में भगवान भी उसको जब कालिया को भगवान ने कृपा की, फिर कालिया को बोले मैं जब गोलोक वृंदावन में जब ब्रज गोपियों के साथ में यमुना में जब मैं विहार करूंगा तब तेरे को बुला लूंगा। बोले प्रभु उस समय मेरे को बुला लिया करो, इसलिए गोलोक वृंदावन में भगवान की जब इच्छा होता है यमुना में विहार करेंगे, कालियों का स्मरण करते हैं और कालियों का सर पर बैठी करके ठाकुर जी जल विहार करते हैं, नौ का नाव रूप में उन्होंने वरदान दे दिया, इन्होंने उनको वरदान दिया। बोले कौआ तो बनोगे तुम लेकिन भगवान की कथा सुनाते रहोगे, राम की कथा सुनाते रहोगे, इसलिए काक भूषण भी नित्य निरंतर बैठी करके हाँ कल्प वृक्ष के ऊपर बैठी करके नित्य निरंतर भगवान की ये कथा सुनाते रहता है। कहते ये एक कथा आती है, दूसरी कथा आती है इसके सर पर ठाकुर क्यों नृत्य किए, कारण किया। बोले एक समय कोई एक राजा था, वो राजा को पेट में बड़ा दर्द हुआ करता था, उसने बहुत उन्होंने दवा भवा खाई लेकिन पेट दर्द सही नहीं हुआ। एक दिन एक साधु ने कहा देखो तुम वहां पर एक कबूतर है, अगर ये कबूतर को पकड़ करके उसका मांस खा लो तेरा पेट दर्द सही हो जाएगा। उसने बहुत कोशिश की कबूतर को फंसाने के लिए जालों में लेकिन किसी तरह से कबूतर फंसा ही नहीं। फिर वो साधु के पास में आए, बोले एक काम करो तुम साधु का ड्रेस पहन करके चले जाओ, फिर तो कबूतर आकर के तेरे गोद में बैठ जाएगा। जब उन्होंने साधु का ड्रेस बनाया वो कबूतर सीधा उड़ते हुए उसका गोद में बैठ गया, इतने में उसने झट पकड़ लिए। बोले पहले से अगर मेरे को पता रहता ना साधु वेश बनाने पर कबूतर गोद में बैठ जाएगा, पहले मैं साधु वेश ही बना लेता। जब वो कबूतर को लेकर के जा रहा था इतने में उसने देखा मैं तो गड़बड़ी कर रहा हूं, क्योंकि अभी तक वो कबूतर आ ही नहीं रहा था लेकिन मैंने जब साधु का वेश बनाया तभी ये कबूतर आकर गोद में बैठा, इसलिए मेरे को बेईमानी नहीं करनी चाहिए। ये साधु का ड्रेस को उन्होंने विश्वास किया, बोले भैया तू उड़ कर चले जा भले मैं दुख कष्ट भोग करूं। जब कबूतर को छोड़ दिया, वो कबूतर साधारण नहीं था, वो परीक्षा कर रहा था। बोले देख राजा मैं तेरे ऊपर संतुष्ट हो गया, तुम एक काम करो वहां पर एक पीपल का वृक्ष है, वहां एक साधु है उनका चरणामृत को पी लो तुम्हारे पेट का दर्द सही हो जाएगा। सचमुच से देखा एक साधु, बोले बाबा कृपा करके एक चरण बढ़ाओ, अब क्या चरणामृत लेना चाह रहा हूं। लेकिन वो साधु साधारण थे नहीं, वो परीक्षा कर रहे थे। जब एक चरण बढ़ाया वो चरण में खून पी और कुष्ठ व्याधि लेपरसी इसको प्यार में इतने बदबू आ रहा था खड़ा नहीं हो जाएगा। फिर उसने कहा होगा दूसरा प्यार अच्छा होगा, बोले बाबा दूसरा प्यार निकालो, दूसरा प्यार निकाला तो उससे भी और गंदा था है? इतने बदबू आ रहा था लेकिन पेट में दर्द है। वो संत ने कहा इनकी चरणामृत से सही होगा, सोचा किसी तरह से संत का चरणामृत लो, एक हाथ को नीचे रखा दूसरे हाथ से थोड़ा पानी डाल करके सोचा थोड़ा चरणामृत आएगा। चरणामृत क्या आएगा, चरणामृत से पहले जो खून था ना और जो कीड़ा था और उसको पीक था उसको गिरा, वो इतने बदबू आ रहा था उससे, वो उसको चरणामृत क्या खाएगा, उसने फेंक दिया और उसको फेंकते ही बड़े सुंदर सुगंध उसमें आया, हाँ बड़े सुंदर खुशबू निकला। और इसे फेंक करेगा ना अपना हाथ उन्होंने अपना सर पर, ऐसे उन्होंने अपना सर पर लगा दिए। जब लगा दिए इतने में संत बिगड़ते हुए बोले संतों का चरणामृत लेने के लिए आए हो, मैं तेरे को अभिशाप देता हूँ,
तो मेरे चरणामृतों का अनादर किया, तुम सर्प बनकर कर जाओगे, सर्प बनोगे। इतने में राजा ऋषि को चरण में गिर पड़े, बोले बाबा उधार कैसे होगा? बोले देखो उधार तो होगा, तुमने मेरे चरणामृत को तो अनादर किया, लेकिन ये हाथ का अपना सर पर लगाया ना, इसलिए एक दिन तेरे सर के ऊपर में ठाकुर जी नृत्य करेंगे, भगवान कृष्ण आकर के नृत्य करेंगे, तभी तेरा उधार होगा। हाँ, इसलिए हम लोग चरणामृत लेकर क्या करते हैं, अपना सर के ऊपर लगाते हैं, लगाते ना चरणामृत लेकर सर पर लगाते हैं, क्योंकि भगवान की जो चरणामृत है, कहते अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम विष्णु पाद तकम पित्वा शिरस धारणम। देखो घर में रोज घर में ठाकुर जी को स्नान करानी चाहिए, स्नान करा के ठाकुर जी का जो चरणामृत है रोज, और चरणामृत को घर में ठाकुर जी का चरणामृत लेनी चाहिए। और ये चरणामृत की ये श्लोक है महिमा, बोले अकाल मृत्यु हरणम, आज समय में अगर तुम्हारी मृत्यु है, अगर आप चरणामृत लेकर कहीं गए, आज आपका जीवन में बहुत बड़ा कहीं एक्सीडेंट है, लेकिन आप ठाकुर का स्नान करा के चरणामृत लेकर गए, कहते वो अकाल मृत्यु नहीं होगा। बोले सर्व व्याधि विनाशनम, जितने तुम्हारी व्याधि बीमारी वो सबके सब समाप्त हो जाएगी, इसलिए विष्णु पाद दगम पित्वा शिरस धारणम, भगवान की चरणामृत ग्रहण करने पर पृथ्वी में जितने सारे तीर्थ है सबका पानी लेना का फल ये चरणामृत में, ठाकुर की चरणामृत में रहता है, इसलिए रोज घर में ठाकुर जी को चरणामृत करनी चाहिए। ठीक है ना, घर में अभिषेक करते हो ठाकुर जी को, करते कि नहीं? नहीं करते हो? नहीं, रोज करनी चाहिए ठाकुर जी को, जैसे माता जी रोज गिरिराज को स्नान कराती हैं, हमारे अनंग महंत जी रोज गिरिराज की, घर में गिरिराज जी है रोज उनको परिक्रमा करते हैं, और जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन बोल करके रोज है गिरिराज की परिक्रमा, तुलसी परिक्रमा करनी चाहिए। ठीक है ना, इसलिए श्री रूप गोस्वामी कहते हैं भक्ति कैसे करनी चाहिए, हाँ कैसे भक्ति करनी चाहिए, कहते तिष्ठन ब्रजे तदानुरागी जनानुगामी नैद अखिल ईत उपदेश सारम। गुरुदेव प्राय करके गुरुदेव ये श्लोक को बोलते थे, कहते भक्ति कैसे करनी चाहिए, देखो ध्यान देकर के सुनो, भक्ति कैसे करनी चाहिए, बोले वृंदावन में रह करके भजन करो, बोले तिष्ठन ब्रजे, बोले वृंदावन में कैसे रहेंगे, इरो कहां से आएगा फिर इरो के बगैर जीरो है, इसलिए बगैर इरो के हम रह नहीं सकते वृंदावन में, यहाँ पर तो काम कर रहे हैं इरो कमा रहे हैं, इसलिए कभी कभी वृंदावन चले जाते हैं, हम थोड़ी साधु संत हाँ, पर कैसे संसार घर गृहस्थी हमारे कैसे चलेगी है? तब गुरु जी कहते थे देखो जिन गृह भजन देखी गृह ते गोलोक भाई, जब घर में कीर्तन सत्संग भजन हो वो घर ही वृंदावन हो जाता है, इसलिए श्री प्रभुपाद कहते हैं मेरे जो भक्तों का घर है ना, भक्तों का घर नहीं वो साक्षात गोलोक वृंदावन निकुंज है, राधा रानी के निकुंज महल है, इसलिए अपना घर में ठाकुर जी के लिए सुंदर जगह बना, ठाकुर जी के लिए घर का जो सबसे बढ़िया सुंदर जगह हो, ऐसे नहीं घर का जो रिजेक्ट का स्थान ठाकुर जी का घर बना दी है, जो कभी काम में नहीं आए है, जो सबसे घटिया स्थान है ना अपना लिए, तो बड़ा बड़ा बेड लगाया, बड़ा सुंदर घर बनाया, लेकिन जब ठाकुर जिसने सब कुछ दिया, सब जिसने उसी के लिए कुछ नहीं करते हैं, घर का जो रिजेक्ट का स्थान का कभी यहीं पर भगवान की मंदिर यहीं पर बना दो, नहीं घर का जो सबसे बढ़िया स्थान है ना उसको भगवान की मंदिर वहीं पर बनाओ, सबसे जो बढ़िया स्थान हो घर में हाँ भगवान के लिए वो मंदिर होनी चाहिए, इसलिए मंदिर करके सवेरे क्या करो, सवेरे टाइम पर उठो, उठ करके पहले सबसे पहले तिलक लगाओ, क्या लगाओगे हाँ, अब बोलोगे अरे हम तो काम में जाते हैं तिलक कैसे लगाएंगे, लेकिन तिलक लगानी चाहिए, जैसे काम में जाते हो ना उसका हल्का करके लो, अगर उसका अगर गहरा करके लोगे ना इधर तिलक दिखता है, लेकिन उसको एकदम हल्का करके लो, हल्का करके लेकर के तिलक लगाओ, देखो जो तिलक है ये जो दो है ना ये ठाकुर का दो चरण है, और जो नीचे देखो जैसे ठाकुर का चरण में तुलसी दल देते है ना ठाकुर जी के चरण में, जैसे ये तुलसी दल दिया है, और इसको भगवान की मंदिर बताया गया, ये भगवान की मंदिर है, कभी तिलक की इतने महत्व है, तिलक की माँ जसोदा कृष्ण को रोज ये तिलक लगाया करती, आप और हमारी बात ही छोड़ दो,
ये भगवान को माँ जसोदा रोज तिलक लगाती थी, ऐसे तिलक नहीं, कितना जगह पर तिलक लगाते हैं, कितने जगह पर, 12 जगह पर हम तिलक लगाते हैं, ये भगवान की 12 स्थान है। ललाटे, तिलक का नाम क्या बताओ तो, ललाट में जो तिलक, बोलो क्या नाम, केशवाय नाम, उदर में नारायण है, बख्खे में कंठे, दक्षिण भर से दक्षिण बाहु में दक्षिण स्कंधे, बाम पार से बाम बाहु में बाम स्कंधे, पृष्ठे खटी में मस्तक में, वाह अरे बड़े बड़े पंडित यहाँ बैठे हो गया। हाँ, देखो नियम है, ये नियम है, रोज स्नान करके ना तिलक लगाओ सब शरीर में, अगर जैसे दूसरे शरीर में थोड़ा थोड़ा लगा दो, क्योंकि ये जो तिलक ये गोपियों का चरण धूलि है, इसलिए श्री भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, बोले जय दीन गृह है शुद्ध भक्त चरण रेणो भजन अनुकूला, भक्त सेवा परम सिद्धि प्रेम लति कर मोला, शुद्ध भक्त चरण रेणो भजन अनुकूला। इसलिए भक्त मन ठाकुर कहते हैं शुद्ध भक्तों का जो चरण धूलि है, जितने जल्दी प्रभु का प्रेम दे सकता और कोई नहीं दे सकता है, ये अनुकूल है भक्ति की, इसलिए रोज तिलक लगानी चाहिए। क्या करनी चाहिए, रोज तिलक लगानी चाहिए, लेकिन जैसे काम के लिए जाते हैं ना, हल्का करके लगाओ, ज्यादा गहरा मत लो, ठीक है ना, समझ रहे कि नहीं, ज्यादा गहरा मत लो, एकदम हल्का करके लो, लेकिन तिलक लगाओ है, तिलक लगाओ। इसलिए उसके बाद में क्या करो, ठाकुर जी का रोज आरती करना और तुलसी परिक्रमा करना, ठीक है ना, और तुलसी परिक्रमा करते समय जो कीर्तन है, जय राधे जय कृष्णा जय वृंदावन श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन राधा कुंड श्याम कुंड जमुना गोवर्धन सब एक कीर्तन में, ये कीर्तन रोज करने का, ठीक है ना, करेंगे नहीं, हाँ रोज ये कीर्तन को तुलसी परिक्रमा करते समय पुस्तक देकर रोज गाना, गा करके तुलसी परिक्रमा कर लेना, ठीक है ना। इसलिए अगर कम से कम इतने करके, और जो जय ध्वनि रोज रोज सवेरे, जय श्री श्री गुरु गौरांग गिरधारी राधा विनोद बिहारी जीव की जय, और अपना गुरुदेव की जय, गुरु परंपरा की, सब गुरु वर्गों का जय देने पर क्या होगा, हृदय में भगवान की भक्ति करने की, क्योंकि जो शुद्ध जो संतों का वैष्णव का नाम लेने पर हृदय में भजन करने की ताकत मिलती है, क्योंकि शक्ति देने वाले गुरु वैष्णव है, इसलिए रोज उनकी जय ध्वनि दे करके जाना है, रोज उनकी जय ध्वनि रोज उनको देना, और उनका नाम से श्री हमारे रघुनाथ दास गोस्वामी कहते हैं, जैसे कोई डाकू आपका आक्रमण करे, चोर झटा पुलिस में फोन करता, पुलिस में फोन करते कि नहीं, कहते उसी तरह हमें काम क्रोध लोभ इस तो आक्रमण कर रहे हैं, भक्ति जगत में पुलिस कौन, ये भक्त लोग, जब इनके नाम को हम ग्रहण करेंगे सारे गंदी चीज हमारे हृदय से हट जाएगी, और ये लोग का नाम लेते हैं, ये लोग हमें रक्षा करते हैं रोज। इसलिए प्रभुपाद कहते थे, पहले पहले जो घड़ी होता था ना, घड़ी उसमें चाबी देते थे, अभी तो बेटर ही हो गया, पहले इस चाबी देते थे, घड़ी में चाबी दो ना, वो 24 घंटा काम करता था, फिर दूसरे दिन फिर क्या करते थे, फिर उसमें फिर चाबी देते थे फिर 24 घंटा काम करता था। देखो अब घर से जाने से पहले कुछ समय बैठ करके ये काम करने का, आरती करने का, मंदिर परिक्रमा, जय ध्वनि, और थोड़ा माला करके, थोड़ा कीर्तन माला करके, अब काम में जाओ ना, समझो जैसे चाबी भर दिया, अभी 24 घंटा काम करेगा, मतलब अब का जो सवेरे जो किया ना, वो पूरा दिमाग में वो चीज तुम्हारी बैठी गई, देखना सारा दिन आपको भगवान की स्मरण रहेगी, सारा दिन भगवत स्मरण रहेगी, ठीक है। इसलिए रोज रोज ये काम करके जाना, और आज हम लोग यहाँ पर एक माला करेंगे, ठीक है।
बैठ करके 5 घंटे एक माला करेंगे, फिर माला करके फिर प्रसाद लेकर जाएंगे। ठीक विजय, समय है ना, समय है ना, कितना जी समय जी बज गया? सवन ये घड़ी चल रहा है कि नहीं? हाँ समय समय है ना। हाँ सब बैठ करके, हाँ देखो, कलिजुग केवल नाम आधारा, सुमरी सुमरी नर उतर ही परा। इसलिए कलिजुग में भगवान का नाम, मूल भगवान का नाम है, और अंतिम समय में और कोई चीज हमारी काम में आने वाली नहीं। अंतिम समय में क्या बोलते बोलते ले जाएंगे? राम नाम सत्य है, गोपाल नाम सत्य है, सत्य बल गत्य है, सब कोई बात झूठा है। अंतिम समय लेते समय यही बोलते बोलते ले जाएंगे, ठीक है ना? जब करते हो कि नहीं माला? तो नहीं करते हो? हाँ माला जब करनी चाहिए। हाँ जीवन में ना इसको द्वारा ही हमें शांति से बोले। अजय तुम 5 मिनट थोड़ा बोल दो, कोई बात नहीं, समय है, 5 मिनट बोल दो। हरे कृष्णा, देखो हमारे बीच में हमारे प्रभु जी आए हैं, जैसे यहाँ पर विजय जैसे वहां सेमिनार देता है ना, ये सेमिनार देते हैं वहां पर। ये हमारे प्रभु जी, ये पायलट है, इसकी पत्नी भी पायलट थी। हाँ इसका पूरा परिवार पायलट पायलट है, इसका बहन भी पायलट है, और बहन का जो पति है भी पायलट है इनका। हाँ हाँ इसलिए इतने, और पायलट छोटे मोटे पायलट नहीं, ये सीनियर पायलट है, दूसरों को भी सिखा देते हैं इसलिए। और पूरा इनका जो 2 बेटी है, छोटी छोटी 2 बेटी बड़े सुंदर भजन गाते हैं, हारमोनियम बजाती है। जैसे तुम्हारी बेटी है ना, वो हारमोनियम गिटार बजा, इसकी बेटी सितार बजाती है, गिटार बजाती है, और हरे कृष्ण महामंत्र गाती है। इसका इसका 2 बेटी है, इसलिए उन्होंने बच्चों के ऊपर पूरा अच्छे संस्कार उसने डाला है। और इनका जो पिताजी, भाई, बहन, ये सबके सब गुरु जी की, सबके सब गुरु जी के आश्रय है। और वहां पर भागवत कथा कराते हैं, और इन्होंने जागा एक लिया है मंत्री के लिए, उन्हें जागा इनको मिला है। वहां पर कोशिश कर रहे हैं जैसे वहां पर एक मंत्री बन जाए, इन्होंने एक पूरा जागा लिए है वहां पर सरकार से, जगह लेकर कोशिश करते हैं वहां मंत्री बनवाएंगे। हाँ इसलिए बोलो, अंग्रेजी में बोलो, ये अंग्रेजी समझ गए सब, कोई बोलो थोड़ा सा बोलो, थोड़ा सा बोलो। हाँ ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय राधिकाय प्रियात्मने श्री श्रीमद्भक्तिवेदान्त नारायण गोस्वामी इति नामिने वंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावरण्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरकृष्णे नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासवि गौर भक्तवृंद। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वृंदाय तुलसीदेव प्रियाय केशवश्च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यभक्ते नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। चतुर्दर्पण मार्जन इसी विषय पर बोल देना, चतुर्दर्पण हरिनाम महिमा पर। फर्स्ट ऑफ ऑल आई ऑफर माय अनलिमिटेड दंडवत प्रणाम। सब अंग्रेजी समझती है ना? हां ठीक। टू माय गुरुदेव श्री राधाकृष्ण विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमद् भक्तिवेदांत नारायण गोस्वामी महाराज, and thereafter to Param Pujaniya Bhaktivedanta Sridhar Goswami Maharaj and entire Guru Parampara and all the assembled devotees. Maharaj has just ordered, though time is very limited, but he has ordered me to speak about the Cheto Darpan Marjanam. That is the first shloka of Shikshastak. So Shikshastak is the only 8 shlokas which has been spoken by Chaitanya Mahaprabhu. Besides this, he has, there's nothing documented as such. Everything he has inspired in others' hearts, and Rupa Goswami has written them. But by his own mouth, only these 8 shlokas have come, which have come at different
times, not at the same time, which has been assembled together. So the first shlok Maharaj has ordered to speak about Cheto Darpan Marjanam, Bhav Mahadavagni Nirvapanam, Shreya Kairava Chandrika Vitranam, Vidya Vadu Jeevanam, Anandam Bodhivardhanam, Pratipadam Purnam Atasvadanam, Sarvatma Snapanam, Param Vijayate, Sri Krishna Sankirtanam. So this speaks about the glories of the holy name. As Maharaj is saying, we are just going to do some chanting. So why we should do chanting? Here Chaitanya Mahaprabhu is saying seven things which we get benefit from chanting. First he is saying, Cheto Darpana Marjanam. Cheto means our chit. Chit means our heart. And darpan is means mirror, where we see our face. So our heart is like our mirror. And marjanam means to clean something. So saying Cheto Darpana Marjanam, we need to clean the mirror of our heart. Only then we can see ourselves. At the moment we are seeing everything else but ourselves. We don't know who we are. We know everything else about the whole world, who is what. So that we will know only when we clean the mirror of our heart. And the only way to clean is by holy name. There's no other way. This you can call it a detergent to clean. Or a soap, very strong. So when we clean, only then we can see our face, we can see ourselves, we can have some Atma Darshan. So this only happens when we do Harinam. Otherwise, if we keep listening to lectures and we don't do anything, it is of hardly any use. Because we are not cleaning anything. So Cheto Darpan Marjanam. At this, where from this, how the mirror has become so dirty? Why do we need cleaning, first of all? Because we have been accumulating dirt for a long time. It's been for many, many years that we have been accumulating kaam, krodh, lobh, moh, mad, matsarya, greed, envy, all these things have been accumulating. So it will take time. Don't be disheartened if it does not come, it takes some time. Once a disciple went to a guru and he says, I'm doing this Harinam for so many days and nothing is happening. He said, how long have you been doing? He said, I've been doing for one whole year. It's been 1 year. 12 months I've been doing. He said, how long have you been accumulating dirt on your heart? He said, you know how long you've been accumulating? It's been many, many millions of years. So much of dirt is there. So it will take time to go. If it does not happen, you have to keep some patience. But eventually it will go. So first thing is Cheto Darpan Marjanam. Then Bhav Mahadavagni Nirvapanam. Bhav means to be. In Sanskrit is Bhav. Mahadavagni. Maha means very big. Bigger than big, like Maha. Davagni means the fire of jungle. Jungle fire. So Bhav Mahadavagni is the big fire of the jungle. Nirvapanam means to make it quiet. So if there's a big fire, like in Western countries, the big fires are there. In US, California, a lot of times there are big fires. So when the fire is there, the fire brigades won't do there. They won't help. So a small spray will just evaporate. Many, many fire brigades, nothing happens. So how can you douse that fire? There's only one way. If there is very clouds, big black clouds, and they start raining very bad, like pouring cats and dogs, that's what you say. And only that way it can go. Otherwise, there's no other way. So he's saying, Bhava Mahadavagni Nirvapanam. When we do this Harinam, it is like a fire on the, it is like a rain on the fire, forest fire. So it will slowly, slowly start getting quiet. But the problem is we do not know that we have fire anywhere. We have no experience of any fire. We have experience of only good things. We think the life is very nice and is good. But actually we are all under fire. If we realize the sadhus, they see this fire very clearly. And they immediately make arrangements to douse this fire. But unfortunately, we don't see it because we are conditioned in this world. So we don't see it. But if we sit with sadhus, slowly we'll start seeing this fire. If somebody's house is on fire and you talk to him, he's not going to talk to you. You say, how are you? He said, no. He has to first arrange for us to douse this fire because the house is burning. Very soon it will catch the whole house. So, but our house is burning and we are sitting comfortably. Our life is passing by every day, going one by one, but we have no stress. We are enjoying still. We are not bothered, worried about the fire because we don't even know we are burning and it's going to consume us very soon. So the moment we realize we are on fire, that is the time the Harinam is going to help us. It's like rain, it will shower and it will make it calm and quiet. So, Cheto Darpan Marjanam, Bhav Mahadavagni Nirvapanam, Shreya Kairava Chandrika Vitranam. Bas karam.
टाइम हो गया, कोई बात नहीं। श्रेया कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावध जीवनम। सो कैरव इज अ स्पेशल काइंड ऑफ लोटस, कैरव इज अ व्हाइट लोटस, इट्स अ वेरी स्पेशल लोटस which blooms only in the light of moon. Shayak Kairo Chandrika, with Chandrika means the moon light, Vitram. When it shines the light on this lotus Kairo, then it blooms. So our soul is compared to Kairo here. Kairo is a white lotus. So when the moonlight falls on it, the moonlight of Harinam, when we do Lord's name, chanting or hear Kirtan, then this lotus starts blooming. It starts becoming bloom. So our soul will come in its natural form and all the dirt will go away from it. So we will realize it because of Harinam. So this is the third thing which is going to take place. The third thing. First is Cheta Darpan Marjanam cleaning. Second is Cheta Darpan Marjanam Bhav Mahadavanam Nirvapanam Shreya Kairav Chandrika Vitanam Vidya Vadu Jeevanam. And this is the life of Vidya. Vidya is compared to Vadu. Vadu means wife. Actually, in Eastern philosophy, Vidya and Avidya, there are two types of knowledge. Avidya is not knowledge. Avidya is also knowledge. So knowledge is divided into two parts. One is Vidya, one is Avidya. So Vidya is that knowledge which takes you towards the Lord. And Avidya is that knowledge which takes you, which does not take you towards the Lord, or which takes you somewhere else. Like all the things which we study in school actually is Avidya, where it is telling us something else. How to do something else. So both are, so this Vidya Vadu Jeevanam, this holy name is like the wife of this Vidya, which takes you towards the Lord. So when we do the holy name, the Vidya is strengthened and then we move very fast towards the Supreme Lord to realize it. So Vidya Vadu Jeevanam Anandambudhi Vardhanam. Anandambudhi. So Anand means happiness. Anand Ambudhi. Ambudhi means ocean. Huge ocean. Anand Ambudhi Varnam. So ocean is limitless. There's so much of water there. And Varnam means it's still increasing every day. It's not like fixed ocean. It's ocean which keeps on increasing. Ocean of Anand. So when you do this Harinam, this Anand will be realized, which will keep on increasing every day. It will keep on gaining in size. The amount of Anand which we are going to receive. It sounds very like may not be true, but this is what happens. This Mahaprabhu is telling. Anandambudhi Vardhanam. Pati Pradam Purnamat Aswadhanam. Now we also have experience of some Anand in this life. We have some happiness in this world. But our happiness is not permanent. We have happiness in breaks. We have happiness, then we have misery. Then again we have happiness, again misery. We want to do bhajan, then we get bored of bhajan, then we want to watch some movies, we want to go out, then we get bored of that, then again we want to do bhajan. So we are doing like this, isn't it? Yeah, we are oscillating between various things. So we get bored of things. We do not get proper taste. So here Mahaprabhu is saying, Prati Padam Purnamat Aswadhanam. Is it that kind of Anand which is coming in breaks, which has miseries in between? He says, no, it is continuous Anand. Prati Padam, every step you are getting Anand and you are into it, submersed into it. Prati Padam, Poon Amrit. Poon means total. Poon Amrit Aswadhanam, you will taste it. Aswadhanam means to taste. And Poon means full, total. So you're going to taste the full Amrit. Amrit means one which does not die. Or which does not become less. It keeps on increasing. Or it stays or it keeps on increasing. In this world, everything whatever we can see or hear, everything becomes less. It starts and starts becoming less. You buy a new car and it starts going down. You marry a wife and then she starts going down. The relationship starts decaying. Pahle Chandramukhi, pahle Suryamukhi, pahle Jwalamukhi. And after that, Dukhi. Then you want to get rid somehow, you know, bhago. So everything goes down. Same for husband also. It's both ways.
So this one is not like this. The anand which we get from the chanting of Naam, holy name, is Patipadam Puna Amrita Swadana. If the taste which will come is with continuous. Our Gurudev used to say it will be like Tail Dharavat. When you put the oil, it is in one, it does not break. Or if you put honey, it does not break. So this anand is like this. If you experience it, it will be like this. So Cheto Darpun Marjanam Bhav Mahadavagni Nirvaparam Shara Kairav Chandrika Vitram Vidya Vadu Jeevanam Anandamburi Vardhanam Pratipadam Punamat Aswadam Sarvatma Snapanam. And then lastly he says, all your soul will become pure and happy. You will be in your natural state. At this moment we are not in our natural state. We are in our excited state or a different state. We are not what we are actually. We have covered ourselves with so much dirt and we are lying under it. So the moment we uncover, the natural state will manifest. And then when in that natural state, we will be happy forever. If you are not natural, then you will be unhappy. Because we are trying to be what we are not. So, Chetra Darpan Marshanam Bhav Mahadavagni Nirvapanam Shaira Kairav Chandrika Vitaram Vidya Vado Jeevanam Anandambudhi Vardhanam Pratipadam Punamataswadam Sarvatma Snapanam Param Vijayate Sri Krishna Sankirtan. So this holy Sankirtan should be glorious. Mahaprabhu is saying. And then next look is saying how to do this name, what are the do's and don'ts, what are the mood in which you should do, so many, many beautiful things. This Shikshastra tells all total bhakti from A to Z, from sadhan, samban, abhideya and prayojan, everything. Everything including the eight shlokas. So very nice. Maharaj will explain. He is going to be here. One chakal paru bhai sikra paara sindhu bhai. Kali kama in paara. Ek mala jab karenge. Thik hai? Sa mala nikal lo. Lo, uska dhe. Mala hai aapke paas mein? Idhar aja. Jo kwa mala nahi. Idhar aja. Le lo to unko de do piche. हरे कृष्ण कौन है यहाँ पर प्रेमा प्रेमा ने भी उनको दे दो उन, उन, उनको दे दो और सिखा देना कैसे जब करेंगे उनका हाथ में पकड़वा कर हाँ जो पीछे बैठे सबके पास में है ना उसको हाथ में पकड़वा कर दो उसको बीच म्यूजियम बोल दो बीच हाँ ठीक ठीक बोलो हाँ बोले श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद सब आंख बंद कर दो क्लोज एवरीबडी आईज एंड यू थिंक आई एम इन वृंदावन ये सेवागुंज रूप सनातन गौड़ीय मठ श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त प्रेमानंद उनको दिखा दो ठीक से कैसे जप करेंगे एक एक माला हरे कृष्ण तुम उनको दिखा वहीं पर हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे,
हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे హరి నామ సంకీర్తన కి సచినందన గౌర హరి కి మళ్ళా లే జాఓ రోజ్ రోజ్ మళ్ళా కరనా ఠీక్ హై నా ఔర్ సెమినార్ మే ఆతా థా యే వో దూసరా సెమినార్ భక్త స్వరూప్ కే సెమినార్ హా ఠీక్ హై అచ్చి బాత్ కి హరి నామ కర్త రహనా హా ఏక్ బార్ ఇన్కే సెమినార్ మే నా బహుత్ అచ్చి సెమినార్ యే దేతా హై బహుత్ అచ్చి సబ్ భక్తోన్ కో ఉస్నే జోడా హై आना सेमिनार में आते रहना ठीक है सेमिनार में हरे कृष्णा जो 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 नया माला लिए है ना ये माला को पास में रखना ठीक है माला करते रहना ठीक है रोज रोज और आते रहना जो सेमिनार तुमने कभी आई हो अटेंड की है ठीक है अच्छी बात माला रख लो रोज रोज माला करना ठीक है ना खाने से पहले एक दो माला करना जब जब समय हो माला जब करते रहना किसको जानते हो तुम यहाँ
किसको जानते हो? हाँ ठीक, उसको तो मदद करते रहना, ठीक है ना, उसको मदद करते रहना। और तुम पति को क्यों नहीं लाए साथ में? हमारे पति को क्यों साथ में नहीं लाए? हाँ कहीं काम में गया है? हाँ हाँ, उसको जब जब आओ तुम उसको साथ में लेकर जाना, ठीक है ना। कल भी आना, कल समय होगा तुम्हारे पास? कल शनिवार है ना, छुट्टी तो होगी, आ जाना कल उनका घर में ना, दामोदर के घर में। संडे हाल में, संडे हाल में आना, ठीक है ना, ठीक है। और आप लोग जो माला लिए माला करते रहना, ठीक है बाबा? हाँ माला करते रहना और आते रहना सत्संग में, आए ना। हाँ ठीक, अच्छी बात, बहुत बढ़िया, अच्छी बात। और कोशिश करना वेजिटेरियन, वेजिटेरियन कि नॉन वेजिटेरियन अभी हो, कोशिश करना धीरे धीरे वेजिटेरियन बनने के लिए, ठीक है। हाँ ठीक है, सब खड़े हो जाओ, सब कीर्तन करेंगे, ठीक है। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्री वासादि